नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया ना सुबह से एक खरीदारी हो रही है और इसमें ना बाइंग मोमेंट चालू हो चुका है। और देखिए 4.27% अपसाइड जाकर मार्केट क्लोज किया। क्लोजिंग कहाँ पे किया तो देखिए एक ना एक अच्छा खासा ना एक रेजिस्टेंस एरिया पे वहाँ पे क्लोजिंग दिया। एक और दूसरा रेजिस्टेंस एरिया कितना है तो 484 का। और अभी जो है ना ऑल टाइम हाई के आसपास ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट में अभी पॉजिटिवनेस है, साथ साथ में ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहे हैं। तो पहला ये ना हमको ये ब्रेकआउट से यहाँ पे एक ब्रेकआउट ले लेता है तो फिर ये फंसाएगा, ये भी एक बार ब्रेकआउट ले लेता है तो फिर बाद में मार्केट में फिर कोई रुकावट हमको देखने को नहीं मिल सकती है। फिर रुकावट कहाँ पे रहेगा तो कहीं पे भी नहीं, सिर्फ 500 रुपये से लेकर 540 तक का भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। कोई रोक सकता है, इनको दबाव बना सकता है तो ये लेवल है, जो कि 484 तक का हमको थोड़ा एक ना संभल संभल कर अपना कदम बढ़ाना चाहिए। और सपोर्ट लेवल की बात किया जाए तो सपोर्ट लेवल जो है ना इस कैंडल के लो तक का रहेगा, जो कि 446 का रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 446 इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए अचानक से इसने 4% का शानदार रैली लिया। अचानक से भी लेने का कारण क्या है कि देखिए यहाँ पे ना मार्केट अंदर ना पहले यहाँ पे जो आपको गिरावट दिख रहा था वो नेगेटिव था, फियर था कि बीजेपी की सरकार ना एक तरह से कम सीटों के साथ आएगी। मगर अमित शाह जो हमारे देश के गृहमंत्री, उनका साफ साफ स्टेटमेंट आ गया कि हमारे 400 सीट के साथ हम आ रहे हैं। जून 4 तारीख से पहले आप शेयर लेकर रखी है, तब से ना खरीदारी चालू हो गई, वो भी खास करके गवर्नमेंट स्टॉक्स में। तो दोबारा बुल रन देखने को मिल रहा है, इसलिए ना हमको ये दोनों टारगेट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ का एक लेवल याद रखिएगा 484, ये दबाव जरूर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड भी देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल याद रखिएगा 446 का सपोर्ट लेवल है, पहला जो एक टारगेट हमारा रहेगा 484 का। ये एक अच्छा ब्रेकआउट ले ले तो सारे टारगेट अपसाइड के मिल सकते हैं। बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं, चैनल पर आए तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।